गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी मैं जा रही हूँ खेत में घूमने के लिए। घर के सब काम ख़त्म हो गया और ये हमारी बाजरे के खेत है, बहुत सुंदर है। कल बहुत बारिश हुआ रात में, अभी उधर से मैं कुछ शाख उठाएंगे चंदलिया की। ये हमारे काका जी के खेत है, बहुत है, पूरे खेत पे है बड़ा हुआ चंदलिया। उसके सब्जी बहुत अच्छा बन रहा है। मारवाड़ी से तो चंदलिया कहते हैं, बाकी मुझे पता नहीं है। ये देखो, ये मैं उठा रही हूँ, बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा है खेत में, पूरा खेत में बड़ा हुआ है और बहुत अच्छा भी लगता है उसकी सब्जी। ये सब्जी मेरी ससुर जी को बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा उधर आया घूमने के लिए तो ये भी है तो ये उठा लेती हूँ। हमारे खेत में भी है, लेकिन हमारे खेत में बाजरी बहुत लंबा लंबा हो गया और बहुत बड़ा भी हो गया, मेरी माता के ऊपर है इसलिए मैं उधर से नहीं उठा पाई। तो इधर में देखो बाजरी छोटा छोटा है, तो मैंने सोचा उधर से उठा लेती हूँ। मैं आरुष को घर पे रख कर आई उसके दादाजी के पास में। सुबह के सब काम खत्म हो गया, सब्जी भी बना कर रख कर आई। तो मैंने सोचा दादाजी को पसंद है चंद लिया, मेरी ससुर जी को, और मैंने सोचा अगर आ गए तो उठा लेती हूँ, थोड़ा चंद लिया की सब्जी भी बना दूँगी। तो मतलब उनका अगर चंद लिया की सब्जी हो जाएगा ना और रोटी, तो और इतना कुछ नहीं। देखो इतनी ताजी ताजी है, कल बारिश हुआ ना इसलिए और भी अच्छा लग रहा है। तो मैं अभी उठा रही हूँ, और भी बड़ा हो गया रात में। पूरे खेत पे बाजरी है, बहुत अच्छा लग रहा है। बाजरी है, गवार है, हाँ गवार है, गवार कहते पता नहीं मुझे। गवार की खेती है, बाजरे की खेती है। तो मैं आज खेत से ब्लॉग शुरू किया, आप सब मेरे साथ में रहिए। देखो कितने बड़े बड़े हो गए बाजरे। ये हमारे ये बड़े बड़े वाले बाजरे हमारे है, और ये सामने वाला बाजरे है ना हमारे काका जी के है। ये जो बाजरे बहुत खुश है। अभी फ्रेंड्स लेकर आ गए घर पे चंदलिया। अभी देखो कितना लेकर आया, मैं साफ करके रख दिया धोकर। तो अभी बनाएंगे थोड़ी सब्जी और बाकी सब फ्रिज में रख देंगे, थैली में बांध कर रखेंगे तो ख़राब नहीं होगा। एक फ्रिज में एक दो दिन रह जाता है, तो अभी इतना बनाएंगे और ये रख देंगे फ्रिज पे। तो मैं सब्जी भी बना रही हूँ, तो दादाजी को बहुत भूख लग गया, मेरी ससुर जी को। मैं आरुष के दादाजी कहते कहते मेरी मुख से भी दादाजी आ जाते हैं। तो बाकी है तो मैं फ्रिज में रख रही हूँ थैली पे बांध कर, उसमें अगर थैली पे अगर स्टॉक कर देती हो ना तो दो तीन दिन ज़्यादा रहता है, ख़राब नहीं होता। कोई भी सब्ज़ी हो अगर थैली पे रख दोगे तो सब्जी स्टॉक रहता है, ख़राब नहीं होगा। तो सब्जी वब्जी सब बना दिया, तो मैंने सोचा बर्तन है तो बर्तन धो दूँ। सबसे पहले
चंद ले लेकर आए, खेत से आए, खेत से आने के बाद में नहाया, उसके बाद में सब्जी भी बना दिया। अभी मेरे ससुर जी रोटी जीम लिया, तो उसके बाद में मैं सब बर्तन अभी धो रही हूँ। और आरुष के भी नींद आ गए, आरुष भी सो रहा है, उसको भी नहा कर दे दिया, मैं भी नहा लिया, आरुष को भी नहा दिया, खुशी को भी। तो सिर्फ दादाजी और खुशी रोटी जीम लिया, अभी खुशी के पापा को रोटी दे कर आएंगे और मेरे सासू जी भी अभी रोटी जीम आएंगे। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, ये तो कहने की ज़रूरत नहीं है, अगर अच्छा लगेगा तो करोगे, अच्छा नहीं लगेगा तो डिसलाइक तो करोगे, ये आपकी मर्ज़ी है। तब भी मैं कह रही हूँ अगर अच्छा लगे तो करना और मुझे सपोर्ट करना, फ्रेंड्स मेरे साथ में रहना। बोलो बाय, ऐसे बोलो, देखो बोलो बाय। ठीक है फ्रेंड्स, अभी वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं, कल मिलेंगे और कोशिश करेंगे और भी अच्छा वीडियो लाने की। ठीक है, रखती हूँ, बाय।